हेलो गाइस, दिस इज अर्जुन सिंह एंड यू आर वाचिंग एलक्यू इंग्लिश। टुडे वी गोना लर्न वर्ब सब्जेक्ट अग्रीमेंट। व्हाट सेज, अगर वर्ब सब्जेक्ट अग्रीमेंट क्या होता है उसके पहले हम देख लेते हैं। वह जाता है, ही गोज। वह जाता है, ही गोज। मैं जाता हूँ, आई गोज होना चाहिए। तुम जाते हो, यू गोज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? वह जाता है, वह एक वचन है तो आपने ES जोड़ दिया। मैं एक वचन हूँ तो इसमें भी तो ES जोड़िए। क्या ये प्लूरल है? सिंगुलर है। वह भी सिंगुलर है, मैं भी सिंगुलर है, तुम भी सिंगुलर। ये तीनों सिंगुलर है तो फिर यहाँ पर ये अंतर क्यों हो रहा है? यहाँ पर भेदभाव क्यों किया जा रहा है? इसके साथ भी ES जोड़िए और इसके साथ भी ES जोड़िए। क्यों हो रहा है भेदभाव? तो भेदभाव इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी हमें रूल्स नहीं पता हैं। तो पहला रूल क्या कहता है वर्ब सब्जेक्ट अग्रीमेंट का, कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। तो ठीक है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर कैसे है? यहां पर तो ES जोड़ दिया, अगर ES नहीं जोड़ते तो भी सही होता, लेकिन ही गो तो गलत है। आखिर रहस्य है क्या? तो दोस्तों, रहस्य ये है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जितनी भी क्रियाएं होती हैं सब पहले से ही प्लूरल फॉर्म में होती हैं। वो प्लूरल होती हैं, उनको सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, मतलब क्रिया की पहली अवस्था में S या ES जोड़ देते हैं। तो यह एक वचन है, वह एक वचन है। अब ही गो, अब ये रूल क्या कहता है? इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वर्ब शुड बी सिंगुलर। अब चूंकि वर्ब पहले से ही प्लूरल फॉर्म में होती हैं तो वर्ब में S या ES जोड़ देने से वर्ब सिंगुलर में बन जाती हैं। जैसे कोई भी नाउन होता है उसमें SES जोड़ देने से वो प्लूरल बन जाता है, उसके अपोजिट वर्ब में क्या होता है? SES जोड़ देने से वो सिंगुलर हो जाता है। तो वह जाता है, ही गोज, इसीलिए होगा। गो को सिंगुलर बनाने के लिए हम इसमें ES जोड़ते हैं। गो को सिंगुलर बनाने के लिए इसमें हम ES जोड़ते हैं। तो पहला रूल तो हमारा ये हो गया। अब देख ले दूसरे में क्या बोलता है। मैं जाता हूँ तो इस आई गो लिखा है। अब ये रूल सही है तो दूसरे में भी आई गोज होना चाहिए। ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, तो सब में ES होना चाहिए। नहीं दोस्तों, रूल पूरा ये कहता है इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वर्ब शुड बी सिंगुलर। एंड सेकेंड रूल सेज इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर थर्ड पर्सन। इफ सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन एज वेल एज सिंगुलर देन वी विल एड S और ES विद वर्ब। वर्ब की पहली अवस्था में SES जोड़ देंगे यदि हमारा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन के साथ साथ सिंगुलर है। तो थर्ड पर्सन भी हो, सिंगुलर हो। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो ES नहीं जोड़ेंगे। सेकेंड पर्सन सिंगुलर है, यू। मैं क्या है? मैं फर्स्ट पर्सन है, तो इसीलिए यहाँ पर ES नहीं जुड़ेगा। मैं क्या है? फर्स्ट पर्सन है, इसीलिए यहाँ पर ES नहीं जुड़ेगा। यू क्या है? सेकेंड पर्सन है, इसीलिए यहाँ पर ES नहीं जुड़ेगा। महेश क्या है? थर्ड पर्सन है, एज वेल एज इट इज सिंगुलर, तो इसीलिए यहाँ पर ES जुड़ जाएगा। तो दोस्तों, ये है पूरा रूल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।